गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, आपका फर्स्ट लेसन ये कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम थर्ड लेसन शुरू करने जा रहे हैं। थर्ड लेसन का जो नाम है वो हमारा सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक है आपका इस लेसन का नाम। तो आज हम इस लेसन के कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं होती हैं उसको हम आज बढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कीवर्ड्स है, जो महत्वपूर्ण जो परिभाषा है वो है हमारी मैन मेड फाइबर्स। मैन मेड फाइबर को हिंदी में कहा जाता है मानव संश्लेषित रेशे। द फाइबर मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर, कि ऐसे रेशे जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं तो उस रेशे को क्या कहा जाता है, मानव संश्लेषित रेशे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रेयॉन। रेयॉन आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि ये कहां से कैसे प्राप्त हुआ। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसकी हिस्ट्री के बारे में, कि जैसे आपने सिल्क वर्म के बारे में सुना होगा, रेशम कीट, रेशम कीट की जो उत्पत्ति है वो चीन में हुई थी। ठीक है, चीन में सबसे पहले रेशम कीट को चीन में खोजा गया था। तो वहां से उस रेशम से रेशम को किससे प्राप्त किया, रेशम कीट से। ठीक है, फिर ये सबसे बहुत महंगा रेशा था, ये सबसे जो कॉस्टली था ये फाइबर्स वो था हमारा सिल्क। ठीक है, जिसको क्या किया, इसको हमारा आर्टिफिशियल रेशा बनाया गया, आर्टिफिशियल फाइबर बनाया गया इसको। क्यों, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट थी सबसे ज्यादा थी, बहुत महंगा था ये। ठीक है, तो इसमें ए सिंथेटिक फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क एंड इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा इसको तैयार किया गया था, इस कारण इस रेशे को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है पेट ए फेबलर फ्रॉम ऑफ पॉलिएस्टर। ये जो पेंट है ये पॉलिएस्टर का भाग है जिसका प्रयोग यूज फॉर मेकिंग बोतल्स, बोतल को बनाने के लिए, फिल्म्स, फिल्म्स की जो सीडी होती है हमारी। ठीक है, जैसे पहले केबल नहीं थी, इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, तो लोग सीडी और वीसीआर को चलाते थे, तो उसके अंदर जो कैसेट डलती थी सीडी की, ठीक है, उसके अंदर किस चीज का यूज किया जाता था, हमारा पेंट का। एंड रोप्स और रस्सियां को बनाने के लिए एक्सेट्रा इत्यादि। ठीक है, इन तीन चीजों को बनाने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, हमारा पेंट का। ये किसका भाग है, पॉलिएस्टर का। ठीक है, तो फिर आते हैं हमारा प्लास्टिक। प्लास्टिक हमारी दो प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब हम थर्मोप्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। ए टाइप ऑफ प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्स ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजली आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो किसका भाग है, प्लास्टिक का। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक है जिसको गर्म करने से डिफॉर्म्स, डिफॉर्म को होता है उसको मोड़ा जा सकता है, जब हम इस प्लास्टिक को गर्म करते हैं। ठीक है, तो वो आसानी से इजली बेंट, बेंट का मतलब होता है पिंगलना, पिंगल जाती है। ठीक है, और उसको हम अपनी इच्छा अनुसार मोड़ सकते हैं, उस प्लास्टिक को क्या कहा जाता है, थर्मो प्लास्टिक। फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं इसका, जैसे हमारी पॉलिथीन होती है। ठीक है, जब आप पॉलिथीन को
हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो पॉलिथीन हमारा सिकुड़ना, मेल्ट होना शुरू कर देती है। सिकुड़ने से तो उसकी हम अपने अनुसार आकृति बना सकते हैं, जिसको विभिन्न रूपों में एक आकृति से, अगर हमने कोई भी स्टार्टिंग में एक आकृति बना ली थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, जिसकी थर्मोप्लास्टिक की सॉरी, अगर यदि आप उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसको गर्म करने के बाद दूसरी आकृति उसे बना सकते हैं। ऐसे प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट आता है हमारा थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग ए प्लास्टिक विच डज नॉट गेट डिफरेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यह ऐसी प्लास्टिक है जिसको आप गर्म करने के बाद डिफरेंस उसकी मोड़ नहीं सकते उसको, ठीक है, आसानी से उसे पिघला नहीं सकते। जो आपने एक बार इसकी आकृति बना दी तो वही आकृति रहेगी, उस आकृति से, उस प्लास्टिक से आप कोई भी दोबारा अपनी चीज नहीं बना सकते, तो उस प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक कीवर्ड्स और हमारा पॉलीमर्स, ठीक है, पॉलीमर्स को हिंदी में बहुलक कहा जाता है। तो उसकी जो परिभाषा है कि बहुलक होता क्या है, वह इकाई जो अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर एक लंबी इकाई का बनना क्या कहलाता है? बहुलक। इंग्लिश में पॉलीमर कहा जाता है। पॉलीमर्स हमारे ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया शब्द है। पॉली शब्द दो शब्दों के एडिशन से बना है, पॉली जमा मर्स, ठीक है, पॉली जमा मर्स, पॉलीमर्स। पॉली का अर्थ है अनेक, ठीक है, पॉली का अर्थ क्या है? अनेक। और मर्स का अर्थ है भाग या इकाई, ठीक है, पॉलीमर्स का अर्थ है अनेक, पॉली का अर्थ है अनेक, और मर्स का जो अर्थ है, जो उसका मीनिंग है, वो उसकी इकाई है, ठीक है, उसके भाग भी हो सकते हैं, कि ये बहुत छोटी छोटी इकाइयों से बनने वाली एक लंबी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? बहुलक कहा जाता है। तो ये आपके कीवर्ड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, आप सभी इसको, इन कीवर्ड्स को अपने नोटबुक में नोट करेंगे और कल को ग्रुप में सेंड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।